टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस का दूसरा फेज 25 सितंबर को शुरू हुआ। दूसरे फेज की वोटिंग के बाद नए चीफ मिनिस्टर के इम्कानात का खाका बनना शुरू होगा। पहले फेज में 61% से ज्यादा वोटर्स टर्नआउट रहा। ANI की कर्टसी के साथ हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका, साउथ कोरिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका और दूसरे ममालिक के डिप्लोमेट्स ने जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के दूसरे मरहले को वॉच करने की गर्ज से एक दौरा किया। इस सिलसिला में ANI की एक खसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। First time here, it's very beautiful. It's wonderful to be amongst the people. We're actually here to cast our votes and see the really vibrant enthusiasm, and this is really democracy working, you know. So congratulations, you know, for well organized polling station. Organization is very similar to Singapore.
where you use government buildings to make it accessible for people. So we are very grateful to MEA for organizing this trip for us. I am not exactly sure. I think we're from 15 countries. Yes. Now, how do you see, what is the expectation and how do you see this? Now, it's a pleasure. It's my first time that I'm visiting Kashmir, Jammu Kashmir. So it's really a privilege to be invited by the Ministry of External Affairs to come and visit firsthand. भारत की इंटरनेशनल स्टेज पर शतरंज के मैदान में बर्तरी के माहौल में कश्मीर के अंदर भी शतरंज का खेल फरोग पा रहा है। शेर कश्मीर नामी इंडोर स्टेडियम के हॉल्स के अंदर कश्मीर शतरंज क्लब और जम्मू कश्मीर शतरंज एसोसिएशन का इंटरनेशनल शतरंज मुकाबला खसूसी तवज्जो का बायस रहा। तो बहुत अच्छा प्रमोशन किया जा रहा है फ्रॉम द स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल कि चेस टूर्नामेंट्स आजकल किए जा रहे हैं। कुछ रिसेंट ईयर्स में बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया है रिलेटेड टू चेस, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादा चेस की तरफ इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, यहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट और फुटबॉल की तरफ है। सो ये बहुत अच्छा हो रहा है कि चेस को बहुत प्रमोट किया जा रहा है इन रिसेंट टाइम्स एंड इट्स वेरी गुड। तब से कंटिन्यूसली टूर्नामेंट हो रहे हैं, ये हमारा कम से कम 10वां 12वां टूर्नामेंट है। पहले भी टूर्नामेंट होते थे लेकिन साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन जब से मैं आया हूँ मेरी कोशिश यही रहती है जो इंटरनेशनल पे होने चाहिए कम से कम 8 टूर्नामेंट साल के, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 8 नहीं तो कम से कम 6 होने चाहिए एक साल में, क्योंकि कभी किसी बच्चे को एग्ज़ाम होता है अगर वो मिस कोई स्किप करता है कोई टूर्नामेंट तो वो अगले के लिए तैयार रहे। मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट हो। कश्मीरी अखरोट फार्मर्स इस वक्त इम्पोर्ट और डोमेस्टिक कम कीमतों की वजह से दिक्कतों के शिकार हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि सरकार उनकी इंडस्ट्री को बचाने की खातिर अपना किरदार अदा करे। मेहनत इसमें बहुत है। अगर मेहनत के हिसाब से हम जाए तो इसमें कुछ पैसा आती ही नहीं, जितना मेहनत लगता है उतना पैसा आता नहीं। पिछले साल देखिए आप, अखरोट बिका 80 रुपये, 100 रुपये, 40 रुपये किलो में। मेहनत लगती है 101 किलो का रेट हो, मैं कम से कम मेहनत लगती है 120 रुपये, 130 रुपये। ये पता नहीं क्या हो रहे हैं, बाहर से माल मंगवा रहे हैं लेकिन इनको ये नहीं पता जो ये लोग खाते हैं जान के अखरोट में, ताकत के अखरोट में। कश्मीर इसमें कोई स्प्रे नहीं लगता है, ये तो बढ़िया अखरोट होते हैं। बाहर के जो अखरोट है वो बाहर से साफ है, अंदर से साफ नहीं है।
डल लेक श्रीनगर और कश्मीर वैली के हुस्न का एक मुंह बोलता सबूत है। इस लेक पर ताजा फूलों और फलों की बहार हर सुबह देखने को मिलती है। इस लेक के पानियों की लहरों पर तैरते और खड़े शिकारे इस लेक को खुसूसी शिनाख्त फराहम करते हैं। ANI की एक खुसूसी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। टॉल माउंटेन्स, स्पार्कलिंग लेक्स एंड शिकारास ग्लाइडिंग ऑन द वाटर डिफाइंस द कश्मीर वैली, वेयर एवरी व्यू रिवील्स अ स्टोरी ऑफ नेचुरल ब्यूटी। Dal Lake, one of the world's most beautiful lakes, comes alive each morning with a vibrant floating vegetable and fruit market. The freshness, greenery and lively chatter of shikara vendors offers a glimpse into Kashmir's unique life. While on a shikara ride, tourists can also taste delicious kahwa, the traditional Kashmiri tea. Visitor can shop for clothes, shawls and local handicraft at the floating market, offering a unique shopping experience. I'm with a photographic tour with other friends. It's a very quiet and beautiful place. I like it because most of all is a real place. So we can see the real life about people, how they live. Beautiful color, the flower, the vegetable. It's a very nice market. I like it. I'm very happy to be here in this amazing place, full of people, full of empathy, of energy. I like to photograph this kind of place. Dal Lake is also home to the world's only floating post office, where letters and postcards can be sent. This unique post office has been a popular attraction for the locals and tourists alike for many years. It was established around 1960 in that board. And from that period it's functioning here. This is the normal postal functioning. Apart from that, it's a tourist attraction place also. Everyone from every corner of India and foreign also, they came here to see this post office. Dal Lake's houseboats are a symbol of Kashmiri culture, blending traditional architecture with modern comforts. Srinagar is also home to Asia's largest tulip garden, which displays a vibrant array of tulips each year. हमने बस YouTube में वीडियोस में देखा था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ आके जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सच्ची में जन्नत है। और मैं तो इस जगह का नाम कश्मीर से जन्नत कर देना चाहिए। बहुत सुंदर tulip garden है, बहुत अच्छा लगा। During the monsoon, gentle rain clogged the valley in lush green meadows that stretches endlessly. The natural splendor here feels like paradise, prompting every visitor to capture its magic with their cameras. बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ आया हूँ तो मैंने मिस कर रहा हूँ कि मैंने इतनी लाइफ में पहले क्यों नहीं आया इधर, क्योंकि सच्ची किसी ने कहा है कि ये धरती की जन्नत है, स्वर्ग है कश्मीर, और सब लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ आना जरूर चाहिए। It's amazing. I haven't seen such beautiful place before, ever, in any picture. So it's just wonderful. Everything you can see yourself. It's just like a picture. We are watching a movie. In winter, Gulmarg's beauty is heightened as snow blankets the tall mountains and trees.
The entire area transforms into a stunning white wonderland, drawing its tourists from afar for snowfall and adventure activities. आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।